नमस्कार, मैं संगीता। डिलीशियस भोजन में स्वागत है आपका। आज हम मसूर दाल की एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनाने वाले हैं जो बच्चे और बड़े दोनों को पसंद आने वाली है। तो ये 1/3 कप मसूर की दाल लिया है मैंने और प्रेशर कुकर में रख के हम धोकर 1 सीटी लगाएंगे। मसूर दाल को धो लिया है मैंने 2 बार अच्छे से और 1 गिलास पानी डालेंगे हम। नमक हल्दी हमें कुछ नहीं डालना है। सबसे पहले हम 1 से 2 सीटी लगाते हैं, गलाना नहीं है, दाल को खड़ा खड़ा रखेंगे, इसीलिए हम सिर्फ 1 या 2 सीटी लगाएंगे। हमारी उबल गई है दोस्तों और मैंने पलट लिया है। आप 1 सीटी लगाएं, मैं 2 सीटी लगाई थी और छोटे दाने थे इसलिए थोड़ी सी गल गई है, पर कोई बात नहीं। और अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये लिया है मैंने मीडियम साइज का 1 प्याज जिसे बारीक काट लिया है और 2 हरी मिर्च। सबसे पहले पैन को रख दिया है मैंने गरम होने के लिए, गैस को ऑन कर दिया है और डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। सबसे पहले डालेंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का ब्राउन कलर तक, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस कलर चेंज होने तक हम भून लेते हैं। हमारा हो गया है तो यहीं पे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और साथ ही डाल देते हैं हम बारीक कटा हुआ 1 मीडियम साइज का टमाटर। टमाटर गल जाने तक पकाएंगे हम। टमाटर हमारे हो गए हैं तो यहीं पे डाल देते हैं हम कूटा हुआ अदरक, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। एक बार चला लेंगे हम, कुछ सेकंड भून लेंगे। अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि दाल हमारी पकी हुई है और पानी गर्म हो गया है। तो यहीं पे डाल देते हैं हम मैगी। मैगी को आप चाहें तो खड़ा रखें या तो तोड़ लें। मैं थोड़ा सा तोड़ ले रही हूँ 2 टुकड़ों में। और इस तरह से पानी में हम डिप कर देते हैं ताकि मैगी हमारी खुल जाए। और अब हम डाल देंगे ये दाल। अब थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे हम, बस इस तरह से डिप कर देते हैं और मैगी को हम पक जाने देते हैं दाल के साथ। मैगी हमारी हो गई है दोस्तों, तो अब हम इसमें मैगी मसाला डाल देते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप एक बार इस तरह से ट्राई करके देखें और वीडियो को पूरा देखें। और चला लेते हैं हम। यहीं पे डाल देंगे थोड़ी सी धनिया हम। और गैस को ऑफ कर देते हैं। प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हमारी मसूर की दाल वाली मैगी बनके तैयार है दोस्तों। उतनी ही हेल्दी और उतनी ही टेस्टी बनती है, एक बार से ज़रूर ट्राई करके देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।